पहले आप देख लीजिए कि कानून व्यवस्था के जिन दो मॉडल की हम बात कर रहे हैं, उन मॉडल को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों इतना बड़ा अंतर है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में ऐसे आरोपी छुप कर बैठ जाते हैं जिन पर बेंगलुरु में ब्लास्ट करने का आरोप है, ये कैसे हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में शेख शाहजहां जैसे आरोपी को गिरफ्तार करने में 55 दिन क्यों लग जाते हैं। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि बॉस यूपी में तो देखिए, यहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े से बड़े माफिया को रगड़ दिया जाता है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, वो डर में जी रहा है कि पता नहीं कब उसका राम नाम सत्य हो जाए। जो माफिया कानून को ठेंगे पर रखते थे, उन्हें महसूस हो गया कि अगर शासन चलाने वाला योगी जैसा कोई है तो कानून की ताकत के सामने किसी माफिया की कोई हैसियत नहीं होती, वरना यही माफिया हीरो बन के घूमते थे इसी यूपी में। इसलिए यूपी में ना माफियागिरी दिखती है ना दंगा दिखता है। सीएम योगी के पास तो दंगाइयों को सबक सिखाने का ऐसा फॉर्मूला है कि बड़े से बड़ा दंगाई भी काम जाए। खुद सीएम योगी ने खुलकर कहा कि यूपी में अब दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का छौंक लगा दिया जाता है। सुनिए सीएम योगी के मॉडल के बारे में वो क्या बता रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा, और मैं स्वयं गया था वहां देने। तो देश में आज की डेट में मोदी योगी मॉडल की ही चर्चा है। ऐसे नहीं हुए हैं कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जब कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं कि योगी मॉडल से न्याय चाहिए, और योगी जी खड़े होकर बोल रहे हैं मंच पर कि जिन माफियाओं को पाला पोसा जाता था उनकी संपत्ति गरीबों में बट रही है आज की डेट में। यूपी में तो गुंडे अपराधियों को उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंगलुरु में ब्लास्ट करके आरोपी बंगाल में जाकर छुपता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या इसलिए कि उसे ऐसा लगता है कि वहां पर वो सुरक्षित होगा? यह सवाल बीजेपी ने भी उठाया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में कोलकाता से जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें पकड़ा कैसे गया, अब आपको यह भी बताता हूं। बेंगलुरु ब्लास्ट का एक आरोपी मुसाविर हुसैन शाजिब और दूसरा अब्दुल मतीन साहा है, दोनों को कोलकाता के पास कांथी से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के मुताबिक अब्दुल ताहा ने प्लान बनाया और कैफे में शाजिब ने आईईडी रखा। दोनों आरोपी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए के मुताबिक दोनों आरोपी आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। एनआईए ने 26 मार्च को दोनों आरोपियों के मददगार मुजम्मिल शरीफ को अरेस्ट किया था। मुजम्मिल ने ही दोनों आरोपियों को ब्लास्ट का सामान दिया था। कैफे में ब्लास्ट के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी रखा। दोनों अपनी पहचान छुपाकर यहां वहां रहने लगे। एनआईए ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी की जिससे आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। दोनों आरोपी पिछले 42 दिनों से एक ही पैटर्न अपना रहे थे। दोनों गेस्ट हाउस या निजी लॉज में रुकते थे। एनआईए ने छोटे शहरों पर नजर रखनी शुरू की जहां लॉज में पहचान नहीं बतानी पड़ती। कोलकाता के पास दोनों आरोपियों को होने की खबर एनआईए को मिली। एनआईए और बंगाल पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए दोनों को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बेंगलुरु ब्लास्ट के इन दोनों आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल में इन आरोपियों के पकड़े जाने पर
कोई कुछ कहे ना, इसलिए ममता बनर्जी बंगाल पुलिस की पीठ थपथपाने लगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल पुलिस ने 2 घंटे में कैफे ब्लास्ट के आरोपियों को पकड़ लिया, और बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। अगर बंगाल सुरक्षित नहीं है तो क्या दिल्ली और यूपी सुरक्षित है? सुनिए ममता बनर्जी को, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस पर सवाल उठेगी। खड़ंगबाज बोले छे बेंगालोरे एक बोमा पड़े छिल, लक्ष्यगुलो कर्नाटक आमादेर एखानकार नये, 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। আচ্ছা, বলতে বলতে বিহার সেফ হ্যাঁ কি নেই এ ভি বোল গই, और अभी कुछ दिन पहले तक यही नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में थे, तब नहीं पूछ रही थी कि बिहार सेफ है कि नहीं है। अब बीजेपी के साथ चले गए तो पूछ रही कि बिहार सेफ है कि नहीं। खैर, दोनों तरफ से बातें चल रही है, बीजेपी कह रही है बंगाल सेफ नहीं है, ममता बनर्जी कह रही है कि इससे सेफ क्या होगा। ममता बनर्जी खुद को डिफेंड कर रही है और दिल्ली यूपी की बात कर रही है, लेकिन अगर यूपी होता और ये आरोपी यूपी पहुंच जाते तो अब तक इनका अंजाम तय हो चुका होता, ये भी पब्लिक कह रही है, क्योंकि यूपी में तो गुंडे माफिया अपराधी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज यूपी में जितने बड़े गुंडे माफिया थे वो या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर मारे जा चुके हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जिनकी दहशत कभी हुआ करती थी, आज वो कहां हैं सभी को पता है। सीएम योगी ने कहा कि वो माफिया कभी जिनके लिए सीएम तक का काफिला रोक दिया जाता था, आज उनकी पैंट गीली हो जाती। सीएम योगी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैंने बदल दिया है वो उत्तर प्रदेश को, अपराधियों का क्या हाल किया है योगी सरकार ने, योगी मॉडल के बारे में खुद सुनिए एक बार। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था, और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है या एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरफ योगी को सुन लीजिए और एक तरफ ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए, आपको बहुत बड़ा फर्क दिख जाएगा कि कानून व्यवस्था और शासन को कैसे चलाया जाता है और कौन सा मॉडल बेहतर है, क्यों पब्लिक खुद बताने लगती है। बंगाल में तो ममता बनर्जी का ये वही मॉडल है जिसमें शेख शाहजहां जैसे माफिया के सामने सब ढीले पड़ गए थे, कोर्ट को कहना पड़ा था भाई बहुत कुछ। शेख शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं ने शोषण के आरोप, जमीन कब्जा करने के आरोप, मारपीट के आरोप लगाए थे। शेख शाहजहां के ठिकानों पर जब 5 फरवरी को ईडी रेड मारने गई थी तो ईडी की ही टीम पर हमला हो गया था, उसके बाद शेख शाहजहां फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 26 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट तक ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी और फौरन शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। उसके बाद 28 फरवरी को 55 दिन के बाद शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ था। तो ये डिफरेंस लोगों को नहीं दिखता है, क्या योगी मॉडल, क्या मोदी मॉडल और क्या ममता मॉडल। इस दौरान लगातार बंगाल सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगता रहा। आप यह भी देखिए कि शेख शाहजहां और बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को कैसा ट्रीटमेंट मिला। शेख शाहजहां को गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया था तो वो किसी सेलिब्रिटी की तरह अकड़कर दिखता चल रहा था। देखिए, ये याद है ना फोटो, जब वो ईडी की हिरासत में आया था तो हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन उसके पहले जब बंगाल पुलिस ने पकड़ा था तो हीरो बनके विक्ट्री साइन दिखा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी ठसक कम नहीं हुई थी। दूसरी तरफ एनआईए ने बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को भागते हुए कोर्ट में पेश किया, यानी अंतर साफ दिखता है, भगाते हुए ले गए उसको। बंगाल में कानून व्यवस्था का यह हाल है कि वहां टीएमसी के नेता खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं। टीएमसी नेता हमीदुल रहमान आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा सीट से विधायक हैं। इस वीडियो में हमीदुल रहमान मतदाताओं को धमकाते हुए कह रहे हैं कि 26 तारीख को बंगाल से सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है, तो अपना कीमती वोट बर्बाद ना करें और कोई बदनामी ना करें।
सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि योगी मॉडल में किस तरह से काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। আব সোচিয়ে, इसके बाद डर का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा? आज सवाल उन लोगों से भी है जो बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर कुछ दिन पहले यह कह रहे थे कि इसमें एनआईए ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को भी पकड़ा है, जबकि सच यह है कि इस मामले में एनआईए ने साई प्रसाद नाम के एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साई प्रसाद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कहा था कि ब्लास्ट में भी बीजेपी का हाथ हो सकता है। 5 अप्रैल को साई प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसी दिन कांग्रेस की तरफ से ब्लास्ट को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में बम फटने के मामले में अब एनआईए ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना छाती पीटते एंकर। बीजेपी को तो मानो सांप सूंघ गया है, लेकिन हर बार आतंकवाद से इनका संबंध कैसे निकल जाता है? जबकि बाद में एनआईए ने कहा कि साई प्रसाद गवाह था और उसे छोड़ दिया गया था, यानी कांग्रेस ने गलत आरोप लगाया था। साई प्रसाद हिंदू था, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, इसलिए शायद उसे ब्लास्ट में शामिल करने और उसे आरोपी बताने की बड़ी भगदड़ सी मच गई। लेकिन अब जब दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए और दोनों धर्म विशेष से हैं, तो कांग्रेस में सन्नाटा फैल गया। अब किसी को नाम नहीं गिनाना है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार घिरी हुई है। आपको बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला याद ही होगा, जब टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों को ठिकानों से करोड़ों रुपए का पहाड़ मिला था। उस मामले में भी आज ईडी ने नई जानकारी दी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 365 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। तो जो कहते हैं कि ईडी सिर्फ छापा मारती है, डराती है, ईडी कह रही है बॉस 365 करोड़ रुपए हम जब्त कर चुके हैं इस मामले में। इस मामले में टीएमसी के 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में पार्थ चटर्जी भी हैं, जो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने बंगाल के टेक्सटाइल मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा से भी पूछताछ की थी। इसी के साथ राशन घोटाले में भी ममता के नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ईडी ने राशन घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ एक्शन लिया है। ईडी ने मलिक और उनके 2 सहयोगियों की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें ज्योति प्रिया मलिक का घर, कोलकाता बेंगलुरु में 2 होटल शामिल है। ईडी के मुताबिक बंगाल का राशन घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपए का था। ज्योति प्रिया मलिक 2011 से 2021 तक बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जांच चल रही है,